करै छी अपने लोकन के आइ दसम दिनक कथा हम कहब आइ कार्तिकक जन्म के कथा अछि। एक समय महादेव गौरी के संग रमन करबा के इच्छा से निर्जन बन गेला। ओतय ओ सुगंधित झाड़ी में रमन करय लगला। महादेव रमन में एतेक लीन भ गेला जे हुनका सब किछ बिसरा गेलन। रमन करत करत बहुत दिन बीत गेल। देवता लोकन के ऐसा चिंता हुअ लगलन। ओ लोकन ब्रह्मा ओतय पहुँचला आ महादेव जाय रूप में रमन करे छला से कहकर सुनेलखिन। एही सँ जे संतान हेतन से केहन हेतन। ब्रह्मा कहलखिन अहाँ लोकन अइ लेल चिंता नहि करू, सब कल्याणे हेतन, मुदा एतबा अवश्य ध्यान रखे जाओ जे अइ यदि गौरी के पेट से संतान हैत तो समस्त संसार के नाश कर दे। तै हेतु अहाँ लोकन महादेव के रमन सन्निवृत्त करेबा के उपाय करे जाओ। सब देवता वन में जाकर हल्ला करो लगला। हल्ला कैला से महादेवक ध्यान टूटल आ रमन से निवृत्त भ गेला। महादेव रमन से उठला तो हुनकर अंश पृथ्वी पर खसि पड़लन। गौरी के ऐसा बड क्रोध भेलन। ओ सब देवता के श्राप दिलखिन जे आई से कोनो देवता के रमन से बच्चा नहीं हेतन। महादेवक अंश के पृथ्वी सहन नहीं कर सकली, ओ अंश आग में फेंक दिलन। आग से हो भार के नहीं सह सकला, ओ ओकरा सरपट वन में फेंक दिलखिन। सरपट वन जाकर ओ अंश छह मुंह वाला एकटा बच्चा भेल। ओही बाटे कृतिका सब जाइत छली। ओ सब कनैत बच्चा के उठा लेलक, अपन अपन दूध पिया ओहि बच्चा के ओ सब पोसलक। पैग भेला पर बच्चा के सब तरहक शिक्षा देलक। बच्चा के पोसनिहार कृतिका सब छली, तै हेतु ओहि बच्चा के नाम कार्तिकेय पड़ल। गणेश जी के जन्मक बाद जखन गौरी शंकर के पता लगलन जे कार्तिकेय जन्मक तो कार्तिकेय के बजा लेलखिन। देवता लोकन हुनकर अभिषेक कैल आ अपन सेनापति कार्तिकेय के बनाओल। कार्तिकेय तारकासुर के मारल आ इंद्र के अपन राज्य वापस क देल। हुनक विवाह साइठ से भेलन। आप गणेश जी के जन्म हेतन। देवता लोकन द्वारा प्रथम रमण में विघ्न देवाक कारणे गौरी चिड़चिड़ा भ गेली। ओ सतत रुष्ट रहै छली। कार्तिकेयक जन्म तावत भ गेल छलन किंतु हुनका लोकनी के एकर खबर नै छलन। महादेव गौरी के प्रसन्न करबा लेल बहुत चेष्टा केलन किंतु वो प्रसन्न नहीं भेली। महादेव के एकरा लेल बड़ चिंता भेलन। वो एक दिन गौरी से पूछलखिन जे अहां एना किया करै छी, अहां कोना प्रसन्न रहब से हमरा स्पष्ट कहू। वो कहलखिन अहां अंतर्यामी छी, अहां सबक मनक बात बुझ जाय छी, तखन हमर मनक बात अहां किया नहीं बुझे छी से हमरा अहां कहू। मूर्ख पति के स्त्री सब बात कहे छे, किंतु हे स्वामी अहां त अंतर्यामी छी, हम अहां के कहब तखन अहां बुझबै। यदि अपने हमरा पुछलहुं है तो हम अपने के आज्ञा कोना नहीं मानब। सुनू, स्त्रीगणक लेल संसार में सबसे पैघ सुख पुरुषक संग रमन करब थिक। ओहि रमन में यदि कोनो प्रकारक बाधा होय छे तो ऐसा बढ़कर स्त्री जात के लेल कोनो दुख नहीं होय छे। अहि दुख से स्त्री दिनानुदिन खिन आ चिड़चिड़ा स्वभाव भ जाय छे। आब अपने सोचू जे हमरा केहन भारी दुख है। एक त रमन में विघ्न, दोसर अपने के अंश पृथ्वी पर खसि पड़ल आ सबसे पैघ दुख त ई जे एखन तक निसंतान छी।
जकर पति स्वयं त्रिलोकीनाथ तकरा बेटा नहीं, जाय स्त्री के बेटा नहीं तकर जीवन व्यर्थ थिक। तपस्या योग दान इत्यादि नीक कर्म आन जन्म में काज दैत छे, मुदा नीक बेटा इहलोक आ परलोक सब ठाम सुख दैत छे। हे प्राणनाथ, अहां सर्वोपरि सर्वज्ञ छी, हम आप कोन उपाय करू से हमरा अहां कहू। पार्वती के बात सुन महादेव कहलन, हे प्रिय निराश नहीं हो, सब बातक उपाय छी। माघ सुदी त्रयोदशी सँ सुपुष्य नामक विष्णुक व्रत आरंभ होइत छन आ से भरि साल चलित रहै छै। एहि व्रत में बड खर्च आ कष्ट छै, मुदा तुरंत फल देनिहार एहन दोसर कोनो व्रत नहीं छै। अहाँ चिंता नहीं करू, हम सब प्रबंध कऽ देब, कोनो वस्तु के तकलीफ नहीं हैत। गौरी प्रसन्न भऽ अगला माघ सँ सुपुष्यक व्रत आरंभ कऽ सविधि समाप्त कयलनि। व्रत समाप्त कऽ गौरी महादेवक संग कैलासक एक सुंदर निर्जन स्थान में सुख विलास करय लगली। जखन महादेवक अंश खसबाक समय भेलन तखन भगवान विष्णु एक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मणक रूप में ओतय गेला आ हाक पारल, हे परम पिता महादेव, अहां जगत माता गौरी अहां लोकन कतय छी, हम भूखे मर रहल छी, किछ खुआउ आ हमर प्राणक रक्षा करू। भूखल ब्राह्मणक हाक सुनि दुनू गोटे धरफरा कऽ उठि कऽ दौड़ला। एहि बीच महादेवक अंश पलंग पर खसि पड़लन। गौरी आ महादेव ब्राह्मणक आदर सत्कार में लागि गेला, हुनका पूछ पूछ कऽ भोजन करबऽ लगला। एकाएक ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान भऽ गेला। ओहि समय में आकाशवाणी भेल, अहाँ के व्रतक फल पलंग पर खेला रहल अछि, जाओ पुत्र के देख हृदय जुड़ाओ, जीवन सफल करू। आकाशवाणी सुन गौरी दौड़ली, देखे छ जे एकटा सुंदर बच्चा पलंग पर खेला रहल अछि आ अंगूठा चूस रहल अछि। दुनू गोटा के असीम आनंद भेलन। कैलाश नगर में महा उत्सव मनाओल गेल, देवता लोकन आबि बच्चा के आशीर्वाद देलखिन, हिमालय सेहो सब परिवार एला, बच्चा के नाम गणेश राखल गेल। अई उत्सव में शनिदेव सेहो आयल छला। गौरी के आग्रह कैला पर ओ बच्चा के आक्षेपे देखल लगले गणेशक गर्दन कटि गेलन। भगवान विष्णु तुरंत एक विशिष्ट हाथी के गर्दन काट गणेश जी के धौर में जोड़ दिल आ अमृत छीट हुनका जियाओल। ओहि दिन से गणेशक मुंह हाथी के मुंह सन छन। अहि उत्सव में गौरी आ महादेव के देवता लोकन से पता लगलन जे हुनक प्रथम रमणक फलस्वरूप कार्तिकेय जन्म लऽ लेने छथि, ओ कृतका लोकनी के संरक्षण में छथि। गणेशक विवाह दक्ष प्रजापति के बेटी पुष्टि से भेलन। आब दसम दिन के कथा बड़ पैघ छै, आब गौरी नाग दंत कथा है। गौरी के दंत कथा। हिमालय के चारम बेटी बड़ गोर भेलखिन, तें हुनकर नाम गौरी पड़लन। गौरी जखन विवाहक योग्य भेलखिन तब मनायन हिमालय के कहल लगलखिन, अपने बैसल छी, कन्यादानक कोनो व्यवस्था नहीं करै छी, कोनो बुढ़वा अबैत अछि आ बेटी लऽ कऽ चलि जाइत अछि, ई नीक बात नहीं अछि, कोनो व्यक्ति के पठा कऽ नीक बर तकबाओ, जाहि तरहे नीक लोक सब कन्यादान करैत अछि एहि बेर हम तहिना कन्यादान करब। हिमालय सोचऽ लगला जे एहन के लोक छथि जे सब ठाम जाय छथि, सबहक गुण दोष के जनै छथिन। एकाएक हुनका नारद मुनि के स्मरण भेलन, ओ नारद मुनि के बर तकबा के भार दऽ देलखिन आ ब्याहक ओरियाउन में लागि गेला। नारद मुनि पुनः ओही बुढ़वा महादेव के बर ताक, खूब साइज बर बरियाती आयल, दाई माई सब बर बरियाती देख लेल गेली। देखै छथि बरक आँखि में कांची पीची लागल आ देह में सांप लटकल, बरियाती में क्यों कनाह त क्यों खोर, क्यों नांगर त क्यों लूल, आ कि स्त्रगन आबि नारद मुनि के गारि पढ़ लगलखिन आ बर बरियाती के घुमाबऽ लगलखिन। जखन गौरी के ई बात बुझेलन
तो ओ मोने मोन महादेव से प्रार्थना केलखिन आ नीक रूप धारण करवा के लेल गोहरलखिन। महादेव सह केलन, तुरंत सब सांप बिला गेल, अपने सुंदर पीठ पीताम्बर पहिरने शंकर रूप भय गेला। हुनक एहन सुंदर रूप देख सब केओ चकित भ गेल। शुभ शुभ के विवाह संपन्न भेल, मनायन खुशी से बेटी जमाय के विदा केलन। महादेव गौरी के संग खुशी से रह लगला। आप विदाईक भार, बेटी जमाय के विदा के मैना किछ दिनक बाद विदाईक भार पठौलखिन। दही, केरा, खाजा, लड्डू, चूड़ा, ठकुआ, मलपुआ इत्यादि। महादेव के एते वस्तु रखबा के ने जगह छलन आ नई घर में क्यों खेनिहारे छलन। खूब लोक सब के बजा के खुओलन आ कतबो बैनो तिहार बांटल, किंतु सब वस्तु सजबे नहीं करे। भार से घर आंगन गन्हा लगलन। भारक वस्तु कोना सधत तकर उपाय सोचा लगला। एक गोटे कहलक जे यदि भरकनी चुलाही छुलाही धुरखुरुए ठाड़ होत त भंडार सज जात। खोज पुछारी क एकटा भरकनी छुलाही ताकल गेल, ओकरा धुरखुर सटाय ठाड़ कैल गेल, तखन भारक वस्तु सब सधल। आब एलथ गौरी के नौने। गौरी महादेव से एक दिन कहलन जे सबहक नौने दबे छे, हमरो सेहनता होइया जे हमरो नौने अबतत। तै पर महादेव कहलखिन अहा नौने के भार सहि सकबन। गौरी कहलखिन एतेक लोक कोना नौने के भार सहैत छे, हम क्या नहीं सहि सकब। महादेव तुरंत अपन बहिन असावरी देवी के बजौलन। असावरी देवी के पैर में बेमाय फाटल छलन। ओ हसी ठठा में गौरी के ओहि बेमा में नुका रखलखिन। ओहि बीच महादेव आंगन एला, गौरी के तकलन गौरी नहीं भेटलखिन। गौरी बेमा के भीतर में कने छली। महादेव अपन बहिन असावरी से अहाँ के भौजी कता छथि, ओ कहलखिन हम नहीं देखलियन है। महादेव परम चिंतित भेला। असावरी देवी अपन पैर जोर से झाड़लन, गौरी भटद खसली, दुनू प्राणी भवा के हंस देलखिन। एक दिन महादेव बहुत रास माछ अनलन। गौरी विन्यास से माछ बनौलन। ननद के कहलखिन जे अहा सुहागिन छी, पहिने अहा खा लिय तखन हम खायब। ओ माछ खाय लगली। गौरी खंडक खंड माछ हुनका देने जाथिन आ ओ टपाटप खेने जाथिन। एही तरह असावरी देवी सबटा माछ खा गेली। बेचारी गौरी के कांटो कन खुरने प्राप्त भेलन। आब गौरी अक्षा के महादेव से कहलन आब हिनका विदा कह दियो, एहन नौनेत से हम बाज एलो। महादेव हंसा लगला आ कहलखिन हम पहिने मना करे छलो है जे अहा नौनेत के भार नहीं सह सकबन, किंतु अहा जिद कह देलो, एतबे दिन में तंग भ गेलो, किछु दिन और रखियो तखन सब सहनता पूर जात। गौरी नेहरा करो लगली हम गोर लगे छी, जल्दी हिनका विदा कर दियोन, नहीं तो आब हमरो खा जती। महादेव बुझा सुझा के अपन बहिन असावरी देवी के विदा कर देलखिन। आब गौरी के भागी नेला। महादेव से पुनः गौरी एक दिन कहलखिन हे नाथ, सबहक भागिन अबे छे, मामी से हंसी खेल करे छे, हमरो तकर बड़ सेहनता हुई है। महादेव भूषित कहलखिन ननद के सेहनता त निक जका पुरेलो, आ भागनक सेहनता सेहो पुर जात, मुदा हमरा बाद में उल्हन नहीं देब। गौरी गंगाजल भर गेली, खूब जोर पूर्वा पछवा बसात बह लागल। हुनका अपन कपड़ा पर संहार नहीं रहलन, कतबो संहारे तैयो आंचर उधिया जाए। गौरी लाजे कठो धोबा लगली। ओ महादेव से कहलन देखू त हमरा ई बसात आब बेनग्न कह देत। महादेव कहलन ई बसात पूर्वा पछवा अहाँ के भागिन छथि, ई लोकन अहाँ के सेहनता पूरा रहल छथि, दुनू गोटे मिल कर अहाँ से हंसी ठट्ठा आ धूर्तता कर रहल छथि। हंस के गौरी कहलखिन ई जहिना अहाँ के पार कियो नहीं पाबि सकते, तहिना अहाँ के सर संबंधी के आ बहिन भागिन पर कियो नहीं पार पाओत, आबहू अपन भागिन के हटाओ। महादेवक इशारा से बसात रुकि गेल। आब
जे गौरी के जहन मन चंचल भ जाय छन तकर खिसाय छ। एक समय में महादेव के गौरी कहलखिन, हे महादेव अहां त्रिलोकी नाथ छी, अहां चोरनी आ छिनार के कोनो चिन्ह किया कि ने दो दे छी, अहां त सब किछ कह सके छी। महादेव कहलन, हम अहां के बात मानल मुदा ककरा कोन चिन्ह देल जाए से अही कहू। गौरी कहलखिन, जकर मन चंचल भ जाए तकरा सिंह आ चोरनी के नांगर दो दियो। एक दिन गौरी से महादेव कहलन, जे आई हमरा माछ खेबा के इच्छा होइत अछि, अहां माछ खुआ। गौरी माछ लाब गेली मलहर टोली में, माछ नहीं भेटलन तो ओ धारक कात विदा भ गेली। ओ तो स्वयं महादेव मछवारक रूप में माछ मारित रहत। गौरी मछवार से कहलखिन, हो मछवार माछ छ की भाव दे भर। मछवार कहलक, आय हमरा बेच के नहीं अछि, यदि अहां के माछ लेवा के बड़ खट्टा अछि तो हमर मनक बात पूरा कह दिय तो हम मंगनीये में माछ दे दे। ओ कोना अनुचित बात कहलकन। गौरी असमंजस में पड़ गेली, माछ कतौ नहीं भेटलन आ महादेव के आइये माछ खेबा के इच्छा छलन आ हुनक इच्छा पुरेबा के प्रयास में गौरी छली। एहि बीच गौरी के माथ पर सिंह हुई गेल, ओकरा कतबो झापैत ओ बढ़ले जाय। महादेव हंसैत बजला, आइ त अहां देखार भ गेलो। गौरी लजा गेली, ओ कहली, हे महादेव अहां के पार क्यों नहीं पाबि सकैत अछि, अहां जे ने हमरा से कराबी। आ फिर गौरी चोरनी सेहो भेलत। एक दिन महादेव हड़बड़ायल एला आ गौरी से कहलखिन, जे हमरा जल्दी से भोजन कराओ, बहुत आवश्यक काज अछि हमरा। ओहि समय में गौरी के दीर्घ शंका लागि गेलन, कतबो रोकलन किंतु नहीं रुकलन। ओ शीघ्र ओही शंका से निवृत्त भ ढाकन से झाँपि देलखिन। महादेव झापल वस्तु के देख गौरी से पूछल, जे इकी चोरा के रखने छी। गौरी लाजे कठोत भ गेली आ ओ कहलखिन, किछ नहीं फुरेलन। गौरी के अइ बीच में बड़ पैघ नांगर लटक गेलन, ओ परेशान भ गेली। अंत में महादेव के कते उचती मिनती केलखिन तो महादेव कहलखिन, आब अपन भावट समटू, हम जे किछ अहां के कहै छी से हमरे पर बजार देत छी अहां। ई भ गेल अहां के दसम दिन की कथा, समाप्त भ गेल। आ कथा समाप्त केला के बाद कथा के संग एकटा गीत तो हम कहते छी, से हम गीत कहबे करब आ संगे ग्यारहम दिन की कथा सेहो कहै छी। एकटा गीत गाबि दिय।